How are you? Fine. Perfect. Okay. Now I am going to start my new topic is main, medium and mode about the different condition. हम उसको क्या करना है देखिए आज के क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है हमारा डेटा गिवन है कि लाइफ इन वीक्स किसकी कार बैटरीज की ठीक है ना कार बैटरीज की हमें क्या है लाइफ गिवन है ठीक है अब ये क्या 16 वीक टू 20 वीक्स में नंबर ऑफ बैटरीज कितनी कंज्यूम हुई और बैटरीज कंज्यूम हुई तो इस तरह से हमें ये कॉलम जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ये जो कॉलम से हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ठीक है ना तो हमने क्या करना है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो क्लास बाउंड्री गिवन है कि नहीं क्लास बाउंड्री गिवन है या फिर क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास बाउंड्री में क्या और क्लास इंटरवल में क्या फर्क होता है क्लास बाउंड्री में जो वैल्यू है जहाँ पे एंड हुई है अगली वैल्यू वहाँ से जो है स्टार्ट हो जाती है तो ये आपकी क्लास बाउंड्री की पहचान है ठीक है ना आपने क्या करना है आपने ये काम करना है कि इन दोनों को देखना है कि अगर ये सेम है तो ये क्लास बाउंड्रीज है अगर डिफरेंट है तो इट्स मीन क्लास इंटरवल है ठीक तो हमने कहा यहाँ पे सवाल क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कंप्यूट मीन मीडियन एंड मोड डिपार्टमेंट नंबर टू में आर द थ्री एवरेजेस इक्वल क्या इतना इक्वल आएंगे अगर इक्वल आएंगे तो वाई क्यों क्यों इक्वल आएंगे ठीक है ये कंडीशन हमने देखनी क्वेश्चन के अंदर हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है मीन मीडियन मोड को नेक्स्ट स्लाइड ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मीन मीडियन और मोड दिया जाए तो आप जो काम करेंगे किस तरह काम करेंगे आपने कॉलम बनाने है किसका एक्स ऑफ कॉलम बनाना है अब ये जो एक्स ऑफ कॉलम बनेगा ये एक्स ऑफ कॉलम किस तरह बनता है इन इंटरवल्स की वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं आप ऐड करते हैं इन डिवाइड बाई टू करते हैं तो 16 प्लस 20 कितना हो गया 36 हो गया 36 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 18 आ गया 21 प्लस 25 आपको कितना हो गया उसको डिवाइड करते 2 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 23 यानी आपने हर इंटरवल की वैल्यूज को आपस में क्या करना है ऐड करना है और डिवाइड बाई टू करना है तो आपके पास ये एक्स की वैल्यूज क्या हो गई कंप्लीट हो जाए ठीक है ना हमें मीन के लिए कॉलम चाहिए होता है बेसिकली एफ एक्स का ठीक है इसकी वजह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया एक्स कैलकुलेट किया क्योंकि एफ एक्स जो है आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब मेरा एफ एक्स का होना सवाल के अंदर कंपल्सरी है तो इट्स मीन मैंने क्या किया यहाँ के अंदर हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की फिर अब क्या किया इस कॉलम में हमने इन दोनों को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 72 6 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 138 8 मल्टीप्लाई बाय 28 इज दिस एंड सो ऑन हमने इन तमाम x और f को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उनको किसकी वैल्यूज आएंगी आपके पास वो कंडीशन आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी ठीक है ना अब हमें fx का टोटल चाहिए इन सब का हमने क्या किया टोटल निकाला ऐड किया इन सब को तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1650 और आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया 50 आ गया ठीक है तो यहाँ तक की मीन की कैलकुलेशन होती है अगर क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो आपको यहाँ तक का काम करना होगा ठीक है अच्छा इसके बाद फिर मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम में मुझे क्लास बाउंड्री की नीड होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है क्लास बाउंड्री की नीड होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है तो हमने देखा क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं क्लास बाउंड्री निकालते हैं 0.5 लोअर में से लेस करते हैं और 0.5 अपर में क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 16 में से 0.5 माइनस के कितना आ गया 15.5 एंड 20 में से माइनस ऐड किया तो कितना आ गया 20.5 अब ये 0.5 आया कैसे ये 0.5 आया कैसे इन क्रॉस वैल्यू को आपस में क्या करो माइनस ठीक है ना और डिवाइड पर क्या करते हैं टू इन क्रॉस वैल्यू को आपस में क्या कर दें माइनस कर दें और डिवाइड कर दें कैसे टू से इट्स मीन 21 माइनस 20 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0.5 ऐसा आया अब अगर कोई भी पॉइंट से कंजिंग सवाल आएगा तो उसमें क्या भी काम करेंगे आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन क्रॉस माइनस करेंगे एंड देन आप क्या कर देंगे उसको टू से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो उस वैल्यू को लोअर में से क्या करना है लेस करना है और अपर में क्या करना है ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो लोअर में से क्या करना है लेस करना है और अपर में क्या करना है आपको ऐड करना है किसको करना है भाई 0.5 को ठीक है ना
अब 0.5 आया कैसे था, आपने कहा था इनको माइनस करें एंड डिवाइड किया, क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आप लोअर में से लेस करोगे और अपर में क्या करोगे ऐड करोगे। तो इसी तरह से हमने लोअर में हर लोअर वैल्यू में देखें आप कि हमने क्या किया 0.5 लेस किया हुआ ये वैल्यू आई भी, और फिर हमने इन सब के अंदर क्या किया हुआ ऐड किया हुआ 0.5, आपके पास ये वैल्यूज आ गए, ये क्लास बाउंड्री हमारे पास आ गए। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर आप सकते हैं। ओके, मैंने आपको कहा था मीडियन के लिए मुझे क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का होना कंपल्सरी है। तो नाउ वी फाइंड कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, हाउ टू फाइंड द कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। आप फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एज इट इज क्या करते हैं कॉपी करते हैं, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को आपने क्या कर दिया एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इस फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं आप ऐड करते हैं, इट्स मीन 4+6 कितना हो गया 10 हो गया, 10+8 कितना हो गया 18 हो गया, 18+14 कितना हो गया 32 हो गया, 32 के अंदर 8 ऐड किया कितना हो गया 40 हो गया, 40 के अंदर 6 ऐड किया 46 हो गया, 46 के अंदर लास्ट फ्रिक्वेंसी ऐड की कितना हो गया 50 हो गया। इट्स मीन इसकी एंडिंग वैल्यू और इसका जो टोटल है वो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने काम किया वो किस तरीके से किसके लिए काम किया मीडियम के लिए काम किया, ठीक है। और मोड के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी चाहिए और क्लास बाउंड्री चाहिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर मीन पूछ रहा है तो आप एफएक्स और एक्स वाला बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे, ठीक है ना। अगर आपसे मीडियम से पूछ रहा है तो आपने क्लास बाउंड, आपके पास फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, आपके पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। और अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड के अंदर आपके पास फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, टोटल यही चीज़ें इसके अंदर, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब डेटा तो हमने बना दिया, कॉलम्स हमने तमाम के तमाम क्या कर दिए कम्प्लीट कर दिए, अब हमने काम क्या करना है किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, अब वो देखते हैं। हमने कहा अभी तो ये बात आएगी किसके लिए, ये बात आएगी हमारे मीडियन के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ क्वेश्चन के ऊपर, पहले तो पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, तो समीशन एफ एक्स कितना था 1650 और समीशन एफ कितना था 50, इट्स मीन आपने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया आपस में आपने डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया कितना 33, आपका आंसर आ गया कितना 33, ठीक है। ये तो मीन के बारे में बात है, बहुत ईजी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन, ये जो फॉर्मूला है ना मीडियन का, ये मेन फॉर्मूला है मीडियन का, ये फॉर्मूला मीडियन का मेन फॉर्मूला है। बट इससे पहले कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन के अंदर हमें एक रॉ सेलेक्ट करनी होती है जो हम किस फॉर्मूले को देख के यूज करते हैं, वो इस फॉर्मूले को देख के यूज करते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को देख के। इट्स मीन कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रॉ सेलेक्ट करनी है, उस रॉ में से तमाम वैल्यू आप क्या करोगे उस इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू प्लेस करेंगे। अब इसमें चाहिए क्या क्या, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, इसमें हाइट चाहिए, इसमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसमें समीशन एफ डिवाइड बाई टू चाहिए, इसमें सी एफ चाहिए, इसमें तमाम वैल्यूज आपने प्लेस करनी है, वो वैल्यूज कौन सी होंगी, इसके लिए हमें एक इंटायर रॉ सेलेक्ट करनी है। वो इंटायर रॉ आपको ऊपर देखा था मैंने एक रॉ सेलेक्ट की हुई थी, वो इसी मकसद के लिए की हुई थी। अब समीशन एफ डिवाइड बाई टू, समीशन एफ डिवाइड बाई टू कितना है, समीशन एफ जो है आपके पास कितना था 50 था, आपके पास कितना था 50 था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमने मार्क कर दिया यहाँ पे कितना है समीशन एफ 50, ठीक है। अब समीशन एफ डिवाइड बाई टू कितना हो गया 25 हो गया। अब इस 25 को कहाँ देखना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है, कहाँ पे देखना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। 1 से लेके 4 तक की तमाम वैल्यू इस रो के अंदर है, 4 के बाद से 10 तक की तमाम वैल्यू सेकेंड रो के अंदर है, 10 के बाद से तमाम वैल्यूज 18 तक की वैल्यूज थर्ड रो में है, 18 के बाद से 32 तक की तमाम वैल्यू इस रो में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो रॉ सेलेक्ट करनी है वो 25 वैल्यूज के लिए करनी है, तो वो इसका मतलब क्या होगी, कौन सी रॉ सेलेक्ट होगी, ये रॉ सेलेक्ट हो गई, ठीक है ना। अब इस रॉ में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, तो क्लास बाउंड्री का कॉलम मेरा लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी 30.5, कितनी वाली हमारे पास 30.5, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ आपके लिए काम और समझ जाएगा। हमने कहा लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है हमारी 30.5, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री आ गई, ठीक है। हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 14 होगी,
हमें इसमें चाहिए होगी हाइट, तो हाइट कितनी है, आप क्लास इंटरवल को आपस में माइनस कर दो या तो, यानी 16 माइनस 20, 21 माइनस 16 कितना हो गया, 5 हो गया, या फिर आप क्लास बाउंड्री को भी आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास हाइट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो इस रॉ से हटके होती है, कौन सी है वो वाली, क्या है ये वैल्यू है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। तो जो रॉ सिलेक्ट होती है उस ऊपर वाली वाली जो होती है वो क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की होती है। तो आपने जो रॉ सिलेक्ट की उससे ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की होगी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 18। तो इट्स मीन हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले के हिसाब से हमने तमाम वैल्यू सेलेक्ट कर दी। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी, 13.30.5, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है, हाइट कितनी है, 5 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम प्लेस कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में, मीडियन के फॉर्मूले में। तो मीडियन के फॉर्मूले पे आते हैं, अब यहाँ तक मैंने कहा था कि इस वैल्यू को, स्टेप नंबर 2, अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सिलेक्ट द रॉ बाय यूजिंग दिस इनकेंसी का, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस रॉ को हमने कहाँ चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना था, हमने चेक कर लिया। अब उस रॉ से तमाम वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। देखिए आप इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। तो हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी थी और इसमें हमने रॉ सेलेक्ट कर दी थी, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई थी। इस वैल्यू के बाद अब हमने क्या बनाया, डेटा बनाया। हमने कहा कि लोअर क्लास बाउंड्री कितनी हो गई, 30.5, आप देख सकते हो ऊपर 30.5 ना। सेकेंड वन इज हाइट कितनी, 5, 5 हाइट आपकी। फिर इसके बाद कितना है, 14। 14 क्या है भाई आपकी, हमने कहा था जो भी फ्रिक्वेंसीज में इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, 14 होगी। फिर इसके बाद तो हमने कहा समीशन एफ डिवाइड बाई टू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, समीशन एफ कितना था, 50 था, 50 डिवाइड बाई टू कितना हो गया, 25, 25 यहाँ पे आ गया। माइनस सी एफ, माइनस सी एफ, अब हमने कहा था सी एफ क्या होगा, जो रॉ सिलेक्टेड रॉ से अबव वाली वैल्यू होती है वो सी एफ की होती है। जैसे कि मैंने आपको शो किया यहाँ पे कि हमने बात किसके लिए, कि जो रॉ सेलेक्ट होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सी एफ की होती है। तो सी एफ कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, इस फॉर्मूले में प्लेस कर दी और फिर इस पूरे को कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर जो आया वो आंसर कितना आ गया, 33 आंसर आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन हेयर, या तमाम चीज़ें सारी क्लियर है, गुड ना। इसके बाद मूव करते हैं मोड के ऊपर। अब मोड के लिए मेन फॉर्मूला ये है, मोड के लिए मेन फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी एक रॉ सिलेक्ट करनी होती है। तो वो रॉ सिलेक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है, वो आपके वो जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको देख के की जाती है। ठीक है ना, जो भी रॉ की सिलेक्शन होती है वो किसको देख के की जाती है, आपके मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को देख के की जाती है। ठीक है ना, तो अब हम जाते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, कि हमने कहा कि हमारे पास डेटा जो था वो यही डेटा था। ठीक है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें सब में देखिए कौन सी है, 18, ये 14 ही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एफ एम हो गया, ये क्या हो गया, एफ एम हो गया, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है एफ वन, जिसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो गई एफ टू, इसको बोलते हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो जो भी रॉ सेलेक्ट हुई वो आपका एफ एम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, आपकी फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब देखें आप एफ एम कितना है, 14, एफ वन कितना है, 8, और एफ टू कितना है, 8, और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 30.5 है। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस मोड के फॉर्मूले में वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे इसको, कि मोड के फॉर्मूले में आप वैल्यू क्या प्लेस करते हैं। अब देखें आप यहाँ पे हमने रॉ सेलेक्ट कर दी, और रॉ सेलेक्ट करने के बाद अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या करें, वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे, लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे हमने कहा कि क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे हमने रॉ सेलेक्ट की थी। अब लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे क्या आ गया आपका, ये कितना है, 30.5 है। तो 30.5 रखा, 30.5 रखा। इसके बाद फिर जो है हमने क्या रखा, एफ एम माइनस एफ वन, तो एफ एम कितना था, एफ एम आपका 14 था, आपका एफ एम हो गया। फिर हमने कहा कि इसके बाद कि इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, एफ वन होती है। तो फॉर्मूला क्या था, 2 FM, एफ एम कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस एफ 2 माइनस एफ वन, तो एफ 2 माइनस एफ वन, एफ 2 भी 8 था आपके पास, ये एफ एम था मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी एफ वन थी,
और इसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी एफ टू थी, ठीक है ना। तो ये आपकी एफ एम हो गया, ये आपका एफ वन हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे लिख, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ओके गुड। अब तमाम वैल्यू हमने क्या कर दिया, मोटी फॉर्म में वैल्यू प्लेस कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, 14 माइनस 8 किया, फिर 2 मल्टीप्लाई पर 14 आपका 28 हो गया, फिर 28 में से 8 को माइनस किया, 10 उसके बाद फिर 8 में माइनस किया। अमूमन बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ये गलती करते हो आप लोग बेटा कि आप इस साइन ऑफ डिवीजन को इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखना कि ये चीज जो है वो अलग है, ये टर्म जो है वो अलग है और ये टर्म जो है वो अलग है, और यही सेम चीज आप मीडियन में भी ये काम करते हैं, आप लोअर क्लास बाउंड्री के नीचे भी साइन ऑफ डिवीजन लगा देते हैं, पूरा ये साइन ऑफ डिवीजन जो पूरा इस तरीके से लगाते हो आप। तो इस बात का ध्यान रखना बोर्ड के अंदर कि ये गलती ना हो आपसे कि यहाँ पे ये जो साइन ऑफ डिवीजन है वो सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद नहीं है, इसके अंदर टोटल कुल जो है वो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे और एक प्लस के राइट हैंड साइड पे। इसी तरीके से मीडियन में भी ऐसी है, इस तरीके से मीडियन में भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। तो जो जो एरर बता रहा हूँ उस एरर से आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, उस एरर को अडॉप्ट नहीं करना है, ठीक है। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, आपने आपका आंसर कितना आ गया, 33 आ गया। तीनों का आंसर जो है वो क्या हुआ, वो तीनों का जो आंसर है वो क्या हुआ, तीनों इक्वल आंसर है आपके, तीनों आंसर क्या आ गया आपके, इक्वल आ गए। अब तीनों आंसर अगर इक्वल आए हैं तो अब इसके अंदर याद है आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, पूछा था आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि ऑल एवरेज आर इक्वल, हमने कहा यस ऑल एवरेज आर इक्वल, वाई तो लिखे था वाई, वाई तो हमने कहा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जब ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या, वो सिमेट्रिकल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो क्या हुई है, सिमेट्रिकल हुई है। अब सिमेट्रिकल डेटा क्या होता है, सिमेट्रिकल अब क्वेश्चन को देख के आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते थे कि डेटा क्या है, सिमेट्रिकल है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा होगा क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं, मेन क्वेश्चन हमारे था उस क्वेश्चन पे जाते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास असल चीज क्या थी। अब आप ये देखते हैं डेटा को ऑब्जर्व करें, आपकी 14 वैल्यू ये सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या है, सेम, सेकेंड वैल्यू और सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या है, सेम, थर्ड वैल्यू और थर्ड लास्ट वैल्यू क्या है, सेम। तो इसका मतलब ग्राफ जो है जितना ऊपर गया है सेम उसी वे के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से गया तो राइट हैंड साइड पे ड्रॉ हुआ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से गया तो राइट हैंड साइड से ड्रॉ हुआ। तो इसका मतलब इसकी स्क्यूनेस जो बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, सिमेट्रिकल बन रही है। ये जितने इस टेम्पो से स्टार्ट हुआ था, जितने हम से ऊपर गया था अपने ग्राफ में, उसी कंडीशन से क्या हुआ, ये वापस नीचे आया। जब ये वापस नीचे आया तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर टॉप पे पहुंची, फिर टॉप पे पहुंचने के बाद वापस जो है वो उसी कंडीशन में वापस नीचे नीचे आ गई। तो उसका मतलब दिस डेटा इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डेटा। इस तरह का डेटा जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका सिमेट्रिकल डेटा कहलाता है। आप क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। आपने क्वेश्चन को देखा, आपने क्वेश्चन को देखा तो आपका यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल डेटा है तो आंसर जो है वो तीनों लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास जो थी वो इस टॉपिक पे थी, एवरेजेस के टॉपिक पर, मीन मीडियन मोड के टॉपिक के ऊपर, और हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें वो डिस्कस की जो आप पेपर में गलतियाँ करते हैं। तो आप उन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपने आप को थोड़ा फोकस रखिएगा, और जो है जो चीज़ भी हो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप तमाम के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो के, ताकि आप जो है आपके पास जो भी वीडियो आए वो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए उसका, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस ऐसे बात आपके पास वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका है होगा, जैसे मैं इसको अपलोड करूँगा ये आपके पास नोटिफिकेशन शो कर देगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना लाजमी है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आता है, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आता। तो उससे एक फायदा ये होता है कि आपके पास न्यू टॉपिक जितने भी मैं करवाता रहूँगा वो सारे सारे न्यू टॉपिक आपके आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.